हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको स्ट्रेस की स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसकी कटिंग की वीडियो फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक तरफ का, आप कोई भी बैक या फ्रंट कोई सा भी पोर्शन ले सकते हैं। ब्लाउज़ का एक पोर्शन लिया है, उसके साथ में उसकी लाइनिंग ली है। तो सबसे पहले हम लोग इसके शोल्डर को, जो दोनों तरफ के हमारे आर्म होल हैं उनमें देखिए ऐसे सिलाई लगाएंगे और साथ में गले में भी सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड्स, ये जो सिलाई मैं लगा रही हूँ ये पक्की सिलाई है, ये बड़े टाकू वाली सिलाई नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, गले और एक आर्म होल पर मैंने सिलाई लगा कर दिखाई है, तीसरे पे आप लोग ऐसे खुद लगाएंगे। उसके बाद देखिए, सिलाई होने के बाद हम ऐसे छोटे छोटे कट लगाएंगे तीनों जगह पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कट्स लगा दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके नीचे की तरफ से भी ऐसे ही सिलाई करेंगे अस्तर के कपड़े को, और अपना जो मेन फैब्रिक है इन दोनों को जॉइंट कर लेंगे नीचे से भी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसे सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद फ्रेंड्स हम इसके दोनों आर्म होल पर, गले पर और नीचे वाली साइड जो है सब पर ये डबल सिलाई चलाएंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो कपड़ा है वो इधर उधर नहीं हिलता, ठीक है। और हमारे जो कुछ भी हम सील रहे हैं, सूट सील रहे हैं या ड्रेस या ब्लाउज कुछ भी बना रहे हैं, उसके अंदर जो है अच्छे से फिनिशिंग आती है। तो देखिए, इसके बाद हम दोनों आर्म होल पर और गले पर भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डबल सिलाई से कितनी फिनिशिंग आई है। अब हम फ्रेंड्स इसके जो है नीचे प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए, एक तरफ का प्लेट हमारा दिखाई दे रहा है और एक तरफ का हमारा जो प्लेट्स है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हमने एक तरफ ऐसे लगाए है सिलाई, निशान लगाया है, और निशान लगाकर दूसरी तरफ से देखिए ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे हल्का हल्का ऐसे दबाएंगे तो हमारा जो है दूसरी तरफ भी ऐसे निशान बन गया है, देखिए हल्का हल्का। अब उसके ऊपर हम लोग ऐसे लगाएंगे और फिर हम दोनों में जो है अपनी यहाँ प्लेट्स में सिलाई लगा कर यहाँ पर अपना जो ब्लाउज़ है उसे तैयार करेंगे, जो एक पार्ट है। तब देखिए, हम अपने ब्लाउज़ के प्लेट्स में बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, एक प्लेट बन गया है, ऐसे ही हम अपना जो है दूसरा प्लेट भी बना लेंगे इसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों प्लेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब देखिए, हमारा जो इसका दूसरे वाला पोर्शन है हम उसके अंदर कैसे सिलाई लगाएंगे। हम सबसे पहले देखिए अपना कपड़ा जो है उसे बिछाएंगे, और जो अभी हमने अपना तैयार किया है एक साइड वाला पोर्शन उसको इसके ऊपर रखेंगे। और उसमें देखिए, कपड़े के ऊपर फ्रेंड्स हमारा कपड़ा है, और ऊपर की साइड जो हमारा अस्तर है, और फिर अस्तर के ऊपर दूसरा अस्तर रहेगा। तो ये जॉइंट करने का तरीका देखिए, हम अंदर से जो कपड़ा है उसे साइड पे करेंगे और ऐसे सिलाई लगाएंगे, और फिर यहाँ पर देखिए हम ऐसे ये शोल्डर है इसे जॉइंट करेंगे, और फिर कपड़े को अंदर की साइड करेंगे, और फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पर भी फिर हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे बस, और बाकी जगह से हम कपड़े को अंदर वाली साइड करेंगे, और यहाँ से भी देखिए इसे ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे, और फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को इसका एक तरफ का शोल्डर जॉइंट करके दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपको एक तरफ का शोल्डर जो ऐसे जॉइंट करके दिखाऊंगी, बाकी आप लोग खुद करेंगे। देखिए कपड़ा मैंने अंदर की साइड किया हुआ है और मैं इसमें साइडों में स्टिच कर रही हूँ। अब देखिए जितना हमें शोल्डर में हम लोग स्टिच करते हैं उतना कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ो। ये देखिए अंदर से हमने शोल्डर रखा और कपड़े को ऐसे अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे और अब हम यहाँ पर जो अपनी सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ से फिर वही हम कपड़े को अंदर की साइड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो आप लोग इसे ऐसे कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स आगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें भी देखिए ऐसे छोटे छोटे जो है कट लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरी कट्स जो है लग गए हैं, मैं एक बार आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे शोल्डर में कहीं पर भी कोई कपड़ा दोनों तरफ से बाहर के तरफ नहीं है, दोनों तरफ से अंदर वाली साइड है। अभी देखिए मैंने इसकी यहाँ पे डबल वाली सिलाई नहीं लगाई है तो इसलिए यहाँ पर इतनी फिनिशिंग आपको नज़र नहीं आ रही है। तो अब हम लोग देखिए इसको वापस से ऐसे उठाएंगे, ठीक है, और उल्टा करेंगे और उल्टा करके फिर हमारे जो नीचे वाली सिलाई फ्रेंसिस की रहती है अपनी वो सिलाई वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए हम इसको अंदर वाली साइड करेंगे जो दूसरे वाला पार्ट है और फिर नीचे अपने कपड़े को और लाइनिंग को दोनों को जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए पहले हम इसे अंदर की साइड करेंगे और फिर हम अपने कपड़े को और अस्तर को दोनों को जॉइंट कर लेंगे आपस में। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारी स्टिचिंग हो गई है और मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। और सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर भी जो है आर्म होल्स पर और नीचे वाली साइड जो है हम अपनी डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फिनिशिंग कितनी आई है फ्रेंड्स डबल सिलाई लगाने के बाद हमारी। देखिए अब हम दोनों को ऐसे किनारे की तरफ से पकड़ेंगे और चौक की हेल्प से यहाँ पर निशान लगाएंगे और जो प्लेट है उसे अंदर वाली साइड करेंगे। तो जहाँ तक प्लेट अंदर वाली साइड आया है वहाँ पर और जहाँ से प्लेट की सिलाई है वहाँ पर इन दो जगहों पर हम देखिए ऐसे चौक का निशान लगाएंगे और फिर देखिए हम इसको बाहर की साइड लगाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो सिलाई है वो एकदम परफेक्ट हुई है, क्योंकि देखिए हमारे जो निशान हैं वो पहले से हमारे जो निशान लगे हुए हैं उन्हीं के ऊपर आए हैं। तो हम इस साइड भी अपने प्लेट्स बना लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे प्लेट्स बनके तैयार हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसके बाद इसे ऐसे डबल करेंगे और यहाँ पर जो है 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे आर्म होल में और ऊपर की तरफ से हम यहाँ पर 9 इंच पर इसे लेंगे, ठीक है। और ये देखिए इस साइड से हम इसको 4 इंच पर लेंगे या 4.5 इंच पर, 4 इंच पर फ्रेंड्स मैंने इसे लिया है। और अब हम इन्हें जो है जॉइंट कर देंगे, इसे हम लोग क्या है ऊपर वाले प्लेट्स बनाएंगे यहाँ पर।
ऐसे हम देखिए बैक साइड में यहाँ से ऐसे पकड़कर, और नीचे वाली साइड देखिए हम यहाँ पर जो है कैंची की ऐसे नोक रखेंगे और ये करके फिर यहाँ जब नोक बन जाए तो ऐसे चौक चला देंगे, जिससे क्या होगा वहाँ पर निशान बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ निशान बन गए। अब इन दोनों निशान को हम लोग यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए साइड में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सिर्फ दोनों तरफ का जो मार्जिन है वो आधे इंच का रहेगा, ज़्यादा हमारा मार्जिन नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा लेते हैं हम लोग और ये दोनों प्लेट्स पे हम लोग बना लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। तो देखिए अभी मैं एक तरफ का जो प्लेट है वो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा एक तरफ का प्लेट बन गया है। अब दूसरी तरफ का प्लेट भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे दोनों तरफ के प्लेट्स जो हैं बनकर तैयार हो गए। उसके बाद देखिए हमारा जो प्लेट अगर हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो दिखाई देगा, तो इसलिए हम लोग इसे नीचे वाली साइड करेंगे। जिस तरफ हम लोग फिटिंग का निशान देते हैं उस तरफ करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो पहले से हमने सिलाई लगाई हुई है, डबल सिलाई लगाई थी, तो उसी के ऊपर अब हम लोग यहाँ पर देखिए हल्की सी सिलाई चला देंगे। और इससे क्या होगा हमारा जो प्लेट है वो दब जाएगा, वो बाहर की तरफ जो है हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो देखिए अब आपको प्लेट यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, ये देखिए ये अच्छे से दब गया है यहाँ पर। ऐसे ही हम इस तरफ का भी दबा लेंगे। तो उसके बाद देखिए अब हम लोग जो है इसकी साइडों की फिटिंग करेंगे फ्रेंड्स। उसके लिए आप लोग को पता है कि हमने प्लेट्स डाले हैं, तो इसलिए यहाँ से एक आगे वाला जो फ्रंट पार्ट है हमारा ब्लाउज का, उसका थोड़ा सा देखिए फ़र्क रहेगा कपड़ा ऊपर वाली साइड से। तो हम दोनों तरफ से इसको देखिए ऐसे बैलेंस करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी फिटिंग का जो है सिलाई चलाएँगे। देखिए हम लोग पहले से अपना जो है प्लेट्स को प्लेट से मिलाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग अच्छे से यहाँ पर सिलाई चलाएंगे। अब दूसरी तरफ देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसमें चैन लगाएंगे, चैन अटैच करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पर जो है पहले इसको हल्का सा चाहे दबा लेंगे, ठीक है। अब ये एक जगह सेटल हो गया है हमारा। अब हम लोग अपनी जो हमारी चैन है वो लेंगे, कपड़े को नीचे से इक्वल कर लेंगे। इसके बाद देखिए अपनी चैन लेंगे और चैन हमें जहाँ तक लगानी है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या है चौक के हेल्प से निशान लगा लेंगे हम लोग अपना। देखिए यहाँ मैं अपना चौक की हेल्प से निशान लगा लूँगी और यहाँ तक जो है मैं अपनी सिलाई चलाऊँगी इसके अंदर। यहाँ पे हमने अपनी जो सिलाई है वो पक्की कर ली है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए जहाँ ये है हम ऐसे लगाएंगे और फिर इन्हें जो है इक्वल करके अंदर की साइड चलाएंगे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमने जो है दोनों तरफ ऐसे देखिए निशान लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर हम लोग देखिए अपनी चैन, हमारी जो खुलने वाला पोर्शन है जिधर से खुलता है वो नीचे वाली साइड रहेगा, और जो इसके सीधे तरफ का पोर्शन है वो भी देखिए नीचे की साइड रहेगा, और ऊपर जिधर हम जो है इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे वो उल्टे वाली साइड रहेगी इसकी।
तो देखिए हम ऐसे रखते जाएंगे और यहाँ पर देखिए अपनी ऐसे सिलाई हम लोग लगाते जाएंगे, फिर हम लोग इसे बंद करेंगे और फिर बाकी की सिलाई अपनी जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है दूसरे वाली साइड की अपनी सिलाई चलाएंगे, इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे। आप लोग इधर से भी चला सकते हैं और ये देखिए ऊपर की तरफ से अब हम लोग इसको अच्छे से लेके आएंगे। ये देखिए बिल्कुल पास में रखना है, इसके बीच में कपड़ा नहीं इकट्ठा होने देना, जितना कपड़ा है उतना हमें जो है हमारी चैन है उतना ही कपड़ा हमें सही से रखना है, बिल्कुल इकट्ठा नहीं होने देना। और देखिए जो निशान बनाया है उसके ऊपर हम लोग इसे चलाकर जो है दूसरी तरफ से भी अच्छे से दबा देंगे। देखिए अब हम जो है इसको अपनी जो चैन है उसे ओपन कर लेंगे। चैन ओपन करने के बाद हम आगे की जो सिलाई है वो अपनी कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो सिलाई है कंप्लीट हो चुकी है। एक तरफ का देखिए आपने देख लिया था कि मैंने दबा दिया है, एक तरफ का मेरा रहता है चैन को दबाना। तो देखिए मैं ऐसे चैन को अंदर वाली साइड करेंगे, ठीक है, और साइड से जो हमने सिलाई लगाई हुई है यहाँ पर नीचे जो हमने डबल सिलाई लगाई थी उसके ऊपर देखिए ऐसे सिलाई चलाकर हम इसे दबा लेंगे अंदर वाली साइड। और इसके साथ में कपड़ा भी हम लोग देखिए ऐसे दबा लिए हैं अंदर ही, और इस साइड का भी देखिए वैसे तो हमने दबा लिया था, ठीक है, बट आप लोग चाहे तो इसको ऐसे करके यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं दोबारा। और साथ में देखिए जो कपड़ा है वो मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया है, तो उसके ऊपर हम लोग जो है अपनी तुरपाई भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो कपड़ा है वो बाहर नहीं आएगा। इसे भी आप लोग ऐसे तुरपाई करके यहाँ पर फ्रेंड्स सिलाई भी चला सकते हैं या फिर अंदर की साइड से इसकी तुरपाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ब्लाउज है अब वो तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसके बाद हम अब लोग अपने प्लाजो की जो है सिलाई करेंगे। और प्लाजो की सिलाई करने के लिए देखिए ये हमारे प्लाजो के दोनों हिस्से हैं, जो मेन फैब्रिक है उसमें हम लोग देखिए इसे सीधा कर लेंगे ऐसे कि जिससे हमारे जो छोटे हमने छोटे वाला पोर्शन हमने फ्रंट का कट किया था वो एक तरफ कर लिए और बड़े वाले एक तरफ। और ऐसे अब हम लोग देखिए अपने जो है इनमें से हम अपना एक पोर्शन उठाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ हमारी लाइनिंग है और जो हमारे कपड़ा है मेन फैब्रिक है वो दोनों बीच में रहेंगे दोनों पोर्शन। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप ऐसे रख रहे हो तो छोटे जो हमने छोटे वाले म्यानी कट की थी अस्तर में, तो उसके ऊपर जो है छोटे वाले म्यानी वाला पोर्शन रहेगा कपड़े का भी और बड़े वाले की तरफ बड़े का रहेगा। और इसके ऊपर फिर देखिए हम लोग दोबारा अपना अस्तर का कपड़ा रखेंगे और फिर ऐसे जो है बिल्कुल थोड़ा सा पकड़ेंगे पहले देखिए ऐसे अच्छे से, क्योंकि ये जॉर्जेट का कपड़ा है, ठीक है, तो इसको संभालने के लिए सबसे पहले हमें बस इतना पोर्शन जो अपना सेट करना होता है। फिर यहाँ से जब ये हमारा सिलाई के अंदर दब जाता है फिर बाकी को एडजस्ट करने में हमें कोई इतना इशू नहीं आता, फिर वो आराम से जो है खुद से एडजस्ट हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए बस इसमें ये है कि एक एक पोर्शन को अच्छे से पकड़कर जो है उन्हें सही करते रहिएगा, फिर ये सारा कपड़ा जो अपने आप सही हो जाता है। इसके बाद देखिए सिलाई के बाद अब हम इसको जो है सीधा करेंगे और जो नीचे वाला हमारा यानी कि अभी जो मार्जिन वाला कपड़ा था उसे एक तरफ करेंगे और उसके ऊपर जो है हम इस डबल सिलाई चलाकर मार्जिन वाले कपड़े को दबा लेंगे। इससे डबल सिलाई से फ्रेंड्स ये होता है कि हमारी जो सिलाई है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होती और फिनिशिंग भी अच्छे से आती है।
देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब इसके बाद ऐसे ही हम लोग जो है दूसरी तरफ से भी हमारी जो मियानी है ठीक है उसे जोड़ लेंगे। पहले बाहर की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद ऐसे ही पलट कर हम यहाँ पर भी अंदर की साइड सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी दोनों मियानी है जो है उन्हें जॉइंट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए इसे उल्टा करेंगे और जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है नीचे लेग के पास है जो पैर के पास वाला पोर्शन है हम पहले वहाँ से जो है इसे देखिए ऐसे दोनों तरफ से डबल को पकड़ेंगे और इसके ऊपर चोक का निशान चलाएंगे और फिर जितना हमने जो है इसे पकड़ा है हम ऐसे इसे फोल्ड कर लेंगे। दोनों तरफ निशान लगाने से देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है एक जितना ही कपड़ा जो है इसके अंदर फोल्ड हुआ है। ऐसे ही हमने दूसरा भी फोल्ड कर लिया। अब उसके बाद देखिए हम ऐसे मियानी के पास से हम लोग इसके अंदर सिलाई लगाते हैं। तो मियानी को मियानी के ऊपर रखेंगे जो ये दोनों तरफ की चोंच निकली हुई इन्हें कट करेंगे और फिर हम लोग जो है यहाँ से जो है सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और कपड़े को अच्छे से देखिए पकड़कर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम लोग इसे अच्छे से सेटअप कर लेंगे। देखिए अब हमारी जो सिलाई है देखिए वो यहाँ पर जो है जो जॉर्जेट का कपड़ा होता है फ्रेंड्स उस पर डायरेक्ट जो है मशीन नहीं चलती। तो या तो आप लोग इसके नीचे कोई भी कागज़ वगैरह का टुकड़ा रख लीजिएगा काट कर कोई पेज वगैरह को बच्चों की कॉपी से ठीक है या फिर ऐसे खींच लीजिएगा जैसे मैंने जो है पीछे की तरफ से खींच कर सिलाई चलाई थी। अब ऐसे ही हम लोग जो है दूसरी तरफ की सिलाई चलाएंगे और दूसरी तरफ की सिलाई चलाने के लिए देखिए सबसे पहले हमने मियानी के बिल्कुल ऊपर नहीं रखा जैसे पहले की तरफ रखा था तो मियानी से थोड़ा सा पीछे की तरफ से हम लोग सिलाई को लेकर आए और बाकी अब हम इसे कंप्लीट करेंगे आगे। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि हमारे दोनों पोर्शन कितने अच्छे से बने हुए हैं नीचे इक्वल हैं कहीं पर भी कपड़ा जो हमारा छोटा बड़ा नहीं है। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम लोग ऊपर की तरफ जो सीधे साइड में 2 इंच जैसे हमने बोला था कि 2 इंच हमने अपना जो है इलास्टिक के लिए रखा है ठीक है तो वही हम 2 इंच पे जो है सारे में ऐसे इसमें निशान लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूर ऊपर। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो है यहाँ से ऐसे जहाँ से हमने निशान लगाए थे वहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे ठीक है और सारा कपड़े को और ऊपर वाले अंदर वाली इलास्टिक सॉरी अस्तर के कपड़े को देखिए अच्छे से सेटअप करते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे और सारे में इसमें राउंड में हम लोग देखिए सिलाई चलाएँगे और वापस आएँगे। बस ऐसे थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ से हमें इसके अंदर जो है इलास्टिक ऐड करनी है। इलास्टिक ऐड करने के लिए देखिए हम लोग सेफ्टी पिन का यूज़ करते हैं इसकी हेल्प से क्या होता है ये अच्छे से डल जाती है इसके अंदर। देखिए मैं ऐसे डालते रहेंगे देखिए सारी डाल ली है मैंने इलास्टिक और ये देखिए दोनों तरफ के पोर्शन को स्टिच कर दिया है। हम ऐसे खींच कर जो हमारी इलास्टिक बाहर थी उसे अंदर की साइड करेंगे और फिर जो थोड़ा सा ये पोर्शन रहता है फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम लोग सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ऐसे अच्छे से सेटअप कर लेंगे हम लोग हर तरफ से इसे और उसके बाद हम लोग एक सिलाई देखिए ऐसे बीच में चलाएंगे और बीच वाली भी जब सिलाई चलाते हैं तो देखिए हमें आगे और पीछे दोनों तरफ से खींचना होता है क्योंकि ये इलास्टिक है ये दोनों तरफ से खींचने पर अच्छे से ही जो है सेट हो जाती है। ये देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है। वैसे ही हम लोग नीचे में भी जो है हमने 2 इंच का रखा था अपना कपड़ा तो वैसे ही 2 इंच का हम लोग जो है इसके अंदर निशान लगा लेंगे जैसे हमने ऊपर लगाया था फ्रेंड्स और फिर जो निशान लगाएंगे उसके ऊपर जो है हम लोग इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए ऐसे 2 इंच का निशान लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर जैसे हमने जो लगाया था और देखिए फिर ऐसे फोल्ड करके हम इसे निशान सॉरी सिलाई लगा लेंगे। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब हमारा जो प्लाजो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है हमारी श्रग की, तो उसके लिए पहले देखिए हम लोग जो है अपनी श्रग के दोनों शोल्डर अटैच करेंगे सबसे पहले। तो देखिए मैंने बताया था कि ये कपड़ा ऐसे नहीं चलेगा, बाकी में तो हर जगह लाइनिंग थी तो वहाँ इशू नहीं पड़ा, पर यहाँ पर इसके अंदर कोई लाइनिंग नहीं है तो इसलिए हमें इसमें बार बार जो है ये जो है एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी सिलाई चलाने के लिए। तो अपने लिए आप लोग जो है पेपर पहले से ही अपने पास रख लीजिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है शोल्डर एक अटैच किया और ये जो है हमारा पेपर लंबा है तो मैं दूसरा शोल्डर भी देखिए इसके साथ ऐसे ही यहाँ पर रखते हुए जो है अटैच कर लूँगी। यहाँ से मैं कोई धागा कट नहीं करूँगी, हम यहाँ से अपना जो धागा है वो बाद में कट करेंगे, साथ के साथ ही यहाँ पर हम लोग अपनी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए बीच में से हम लोग कट करके अपने दोनों पोर्शन को अलग करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बिल्कुल ऐसे आराम आराम से जो है यहाँ से अपना ही कागज़ को या पेपर को अलग करेंगे। अगर हम लोग एक जैसे एक साथ ही से खींच लेंगे तो इससे क्या होगा, सिलाई के ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए बिल्कुल ऐसे एक तरफ से आराम आराम से इसे हटाएंगे और फिर दूसरी तरफ का देखिए ऐसे आसानी से हट जाता है। इसके बाद देखिए श्रग के पास से हमारा जो ये कपड़ा कटा था वेब में, हम इसमें से एक बहुत लंबी सी पट्टी कट कर लेंगे। देखिए ऐसे डबल करके हम इसे कंप्लीट कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पट्टी जो है अभी अपनी कट कर ली है। तो देखिए अब हम लोग अपने क्या करेंगे, इसे श्रग को लेंगे और जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग सबसे पहले ये हमारा जो पोटली बटन हमने बनाया था फ्रेंड्स, इस पोटली बटन की जो मैंने शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, इसे बनाना बहुत आसान है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पोटली बटन को ऐसे रखेंगे बिल्कुल ऊपर की साइड, बस ऊपर से थोड़ा छोड़कर, जितना हमें सिलाई मार्जिन होता है उतना छोड़कर हम इसको रखेंगे ऊपर की साइड से गले के पास से, और हम इसे जो है इसके साथ एक सिलाई लगा कर अटैच कर लेंगे। इसके बाद देखिए अब फ्रेंड्स हम लोग अपना कपड़ा लेंगे और इसे ऐसे डबल करेंगे। देखिए ऊपर की साइड ये ओपन है कपड़ा और नीचे वाली साइड से ये डबल है। तो देखिए पहले हम लोग अपनी सिलाई नीचे की साइड से चलाएंगे, जिधर से अभी मैंने फिंगर पॉइंट किया था, नीचे की साइड से पहले ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, यानी कि हमने जो अपना पोटली बटन बनाया है पहले उसको भी इसके साथ भी दबा लेंगे कपड़े के साथ। तो देखिए ऐसे पहले उसके ऊपर से हमने किया और फिर अब उसके बाद हम ऐसे राउंड में अपने जो है इस पट्टी को लगाएंगे इसके अंदर। फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें ना पट्टी को खींचना है ना ही गले को खींचना है। तो देखिए हम लोग साथ में इनका भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा हमारी जो सिलाई है वो ख़राब हो जाएगी अगर हम लोग पेपर का यूज़ नहीं करेंगे तो, इसलिए पेपर का इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है फ्रेंड्स। देखिए हम पेपर के ऊपर ऐसे रख के अपनी सिलाई को आसानी से चला सकते हैं, ऐसे ऐसे पूरा हम लोग जो है राउंड में अपनी पट्टी को लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी लगा ली, अब एंड पे दिखाती हूँ। उस तरफ हमने पोटली बटन लगाया था, इस तरफ के लिए देखिए दूसरी साइड के लिए मैंने ये देखिए एक डोरी बना कर रखी है, इसमें से हमें बस इसी हिसाब से कट करना है कि वो सिलाई में आए और साथ में उसमें जो है पोटली बटन ऐड हो जाए उसके अंदर। तो देखिए इसको भी पोटली बटन की तरह अंदर की साइड रखेंगे और इसका जो ओपन फेस है वो बाहर रहेगा और जो बंद वाला पोर्शन है फ्रेंड्स वो अंदर की साइड रहेगा। और यहाँ पर भी ऐसे दो से तीन सिलाई लगा कर इसे अच्छे से दबा लेंगे हम लोग, और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट करेंगे। और जैसे मैंने बताया था कि धीरे धीरे हम लोग जो अपने
जो ये पेपर है इसे बाहर निकालेंगे, इसमें से भी ऐसे धीरे धीरे अपना पोर पेपर को बाहर निकालेंगे और इसमें राउंड में ऐसे देखिए छोटे छोटे कट लगाएंगे सब जगह पर। तो देखिए धीरे धीरे इसे यहाँ से निकालेंगे, देखिए मैंने निकाल लिया है। और अब देखिए हम लोग जो इस पट्टी को जो है सीधा करेंगे, देखिए हम लोग जो है जिधर हमारी जो डोरी है उस साइड से हम लोग कपड़ा देखिए अंदर करेंगे और फिर यहाँ पर जो है सिलाई लगाकर इसको अंदर की साइड हम लोग दबा लेंगे। और इसमें भी सबसे पहले हम लोग जो है पेपर का यूज़ करेंगे, पेपर इसके नीचे रखा, फिर हम लोग जो है सिलाई चलाएंगे। इसमें भी फ्रेंड्स हमें कोई भी कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बस अच्छे से अपनी सिलाई को आराम से चलाते रहना है। देखिए एंड में जाकर हम लोग यहाँ पर डबल करेंगे और फिर ऊपर की तरफ करके जो है धागे को कट कर देंगे यहाँ से, और फिर आराम आराम से अपना जो पेपर है उसे हटा लेंगे यहाँ से। देखिए हमारा जो पेपर है फ्रेंड्स हमने यहाँ से हटा लिया, देखिए ये जो है हमारा ऐसे इसके अंदर डल जाएगा पोटली बटन, ये हमारा जो यहाँ से नेक फिर बंद हो जाया करेगा। आप लोग ओपन रखना चाहते हैं तो ओपन भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो नीचे हमारी पट्टी हमने बनाई है, ठीक है सॉरी नीचे की साइड हमने यहाँ पर जो है देखिए ओपन था, यहाँ पर हम इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे दोनों पोर्शन पर। यहाँ पर देखिए हम लोग चाहे तो यहाँ पर भी जो है पेपर का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई कपड़ा ऐसा नहीं है कि मुझे दो डबल कपड़ा ऊपर की तरफ पकड़ना हो, तो इसलिए एक हाथ से मैं पीछे की तरफ पकड़ कर खींचती रहूँगी और दूसरी तरफ से आगे। तो ऐसे देखिए मैंने बिना पेपर के यहाँ पर सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। अब इसके बाद देखिए हम लोग अपने यहाँ पर फिटिंग करेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो है हम लोग स्टार्टिंग में पेपर का यूज़ करेंगे। और देखिए सिलाई ऊपर की तरफ से फ्रेंड्स हम लोगों ने 1.5 इंच मार्जिन रखा था, तो यहाँ पर ऊपर से हम लोग 1.5 इंच छोड़ेंगे और नीचे की तरफ से हम लोग 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको स्टार्टिंग में, देखिए फ्रेंड्स मैं सिलाई दिखाती हूँ। देखिए ऊपर से मैंने कितना मार्जिन रखा है और नीचे सिर्फ 0.5 इंच का मार्जिन है। ऊपर हम लोग ज़्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि कई बार क्या हो जाता है हम लोग हेल्दी वगैरह हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें ओपन करना इजी हो जाता है। इसके बाद देखिए हम अपनी दोनों तरफ की जो सिलाई है फिटिंग की वो कम्प्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसको नीचे से भी ऐसे फोल्ड करेंगे। पहले हम लोग गले के पास से देखिए हमारी जो दोनों तरफ की पट्टियाँ हैं, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है कट में भी हो जाता है, और कई बार ऊपर जैसे पट्टी लगाई थी तो उसमें भी कम ज़्यादा हो जाता है। तो पहले हम देखिए ऐसे दोनों पट्टियों को इक्वल करते हुए नाप लेंगे और फिर दोनों में नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और फिर हम लोग जो है इसे इक्वली फोल्ड करेंगे ताकि हमारी जो आगे हैं ये दोनों पोर्शन हैं वो इक्वल रहें, छोटा बड़ा ना रहे। देखिए फ्रेंड्स हमारे दोनों पोर्शन इक्वल है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे चौक से इस पर निशान लगाएंगे दोनों पे, ताकि हमें पता रहे कि हमें इस तरह एक तरफ से इतना फोल्ड करते जाना और दूसरी तरफ तक कहाँ तक फोल्ड करना है। तो सॉरी फ्रेंड्स मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ कट करके, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आप लोग भी शायद बोर हो जाते होंगे इतना लंबा देख कर, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए ऐसे अब मैंने जो अपने ये मेरे बाजू वाले पोर्शन है इनको भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, इनको मैंने बारीक फोल्ड किया है क्योंकि हमने अपनी पूरी ड्रेस में हर जगह पर बारीक फोल्ड किया, चौड़ा फोल्ड नहीं किया, इसलिए हमने इसको भी बारीक ही फोल्ड किया है। फिर देखिए हम इसकी जो सिलाई है वो लगाएंगे, फिलहाल ये पेपर रखते हुए ही हम लोग इसकी जो है बाजू की सिलाई लगाएंगे और फिर अपनी ड्रेस में लगा लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी बाजू जो है अपने श्रग के अंदर लगा ली है। अब देखिए यहाँ बीच वाला पोर्शन फ्रेंड्स, आप लोग चाहें तो इनको ऐसे ओपन भी रख सकते हैं या पास में कर आप लोग यहाँ पर देखिए अपना कोई भी ब्रोच वगैरह लगा सकते हैं। जैसे मैंने थंबनेल में एक पिक्चर में मैंने ब्रोच लगाया,